हेलो एवरीबॉडी, आज हम वेव ऑप्टिक्स में नेक्स्ट लेक्चर डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लाइट होती है उसका प्रोपोगेशन होता है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर कैरी द मीनिंग कि लाइट मूव करती है अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूवमेंट होता है लाइट का, जिसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। इसी की वजह से आपने देखा होगा शेडोज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये लाइट सोर्स है हमारे पास में, और इसके सामने एक स्लेट को हमने रखा और स्लेट के सामने रख दिया एक स्क्रीन को, तो लाइट यहाँ से जो स्टार्ट होगी, तो ड्यू टू द रेक्टिलिनियर मीन्स टू से स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से जो स्लेट वाला पोर्शन है इसके सामने तो लाइट का इल्यूमिनेटेड यानी लाइटेंड एरिया प्रकाश से क्षेत्र बने, और जहां से स्लेट का रोकने वाला है यहां इसकी शेडो बनने वाली है। इट इज ऑनली ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। यही एग्जांपल हम देखते हैं एक ऑब्स्टेकल की वजह से। एक ऑब्स्टेकल रखते हैं, जैसे कोई डिस्क रख दें लाइट सोर्स के सामने, तो होगा क्या? जितना ऑब्स्टिकल लाइट को रोक रहा है वहां तो एक शेडो का फॉर्मेशन हो जाएगा और बाकी जगह लाइट जा रही है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। क्लियर है? अब देख लेते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अभी हमने देखा कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ग्रिमाल्डी ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि यदि हमारा ऑब्स्टिकल रोकने वाला या अपर्चर जैसे कि स्लिट, इनके साइजेस कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर में हो, तो लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन से थोड़ा डेविएट हो जाती है, ऑब्स्टेकल या अपर्चर के किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाती है, और जहां लाइट नहीं पहुंच रही थी, ज्योमेट्रिकल शेडो बन रही थी, वहां भी लाइट पहुंचने लगती है, जिसको कि डिफ्रेक्शन कहा जाएगा। देखते हैं, अगर ये स्लिट की बात करते हैं अपन, ठीक है, हमने देखा था लाइट स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है, लेकिन अगर ये स्लिट का जो यहाँ पर अपर्चर है, ओपनिंग है, इसका साइज वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, तो लाइट पहले कहाँ नहीं पहुंच रही थी? इस जगह पर नहीं पहुंच रही थी जहां शेडो बन रही थी, यहाँ नहीं पहुंच रही थी, है ना? अब लाइट उन एरिया में भी थोड़ा सा, देखिए, अपने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से डेविएट हो गई है। ये एक्स क्षेत्र बना, वाई क्षेत्र बना है आपका, यस और नो? एक्स वाई रीजन को कहेंगे हम डिफ्रैक्टेड रीजन है ये डिफ्रैक्शन के कारण हुआ। ये कब होगा? जबकि स्लिट की ओपनिंग जो है वेवलेंथ के ऑर्डर में होगी। फाइन, इसी बात को ऑब्स्टेकल के केस में देख लेते हैं। एक ऑब्स्टेकल लिया हमने, लाइट ऐसा सीधा चलती है बिल्कुल, तो इस ऑब्स्टिकल के सामने ये शेडो का फॉर्मेशन होता है ना? लेकिन अगर इसका साइज ऑब्स्टिकल का वेवलेंथ के ऑर्डर में होगा, तो लाइट इस शेडो के क्षेत्र में भी थोड़ा सा बैंड होकर आ जाती है। सीधा जा रही थी ना, सीधा नहीं जाकर थोड़ा बैंड हो जाती है। एक्स और वाई रीजन इसके अभी रीजन ऑफ डिफ्रैक्शन है। ये पर्टिकुलर फिनोमिनन डिफ्रैक्शन, समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा अपने जो पाथ है वहां से डेविएट हो जाना, जहां नहीं पहुंच रही थी लाइट वहां भी पहुंच जाना, इसे हम डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। क्लियर? तो इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द डिफ्रैक्शन। इट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर। जैसे ऑब्स्टेकल का एग्जाम्पल दिया, यहाँ कॉर्नर पर थोड़ा बेंड हो गई है लाइट, है ना? एंड एनक्रोचमेंट ऑफ द लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल शेडो में जहां लाइट नहीं पहुंच रही थी वहां भी थोड़ा पहुंचने लग गई है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। क्लियर? अब डिफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो पहले होता कैसे है वो थोड़ा बता दें कि ये एक स्लिट है, स्लिट पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। इस प्लेन वेव फ्रंट को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में से मिलकर बांट सकते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस किया था, तो जिन्होंने नहीं देखा एक बार उसको रेफर कर लें। तो दो वेव फ्रंट के कोई दो पार्ट हमने ले लिए, वो कोहेरेंट होंगे जब भी सुपर इम्पोज होंगे। सुपर इम्पोज होंगे तो कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होगा। अगर
एक ही फेज में पहुंच रहे हैं वो सेम फेज में, तो कंस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पर बताया है कि कैसे सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइट केवल यहाँ सेंटर पे ही नहीं आ रही है, डिफरेंट एंगल पर डिफ्रैक्ट होकर जाएगी, लाइक दैट। ओ की जगह पी वन लिया हमने, राइट, इसी तरीके से पी वन डैश ले लिया, एक दूसरा कोई पॉइंट ले लिया पी टू हमने, फाइन ओके। तो होता क्या है, जब स्क्रीन पे देखा जाता है तो मैक्सिमा और मिनिमा का कुछ फॉर्मेशन होता है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर तो इंटेंसिटी कम होती हुई चली जाती है। अब इस बात की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर ऑफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन कहलाएगा एक्सपेरिमेंट। एक स्लिट लिया आपने, फाइन, सिंगल स्लिट ए बी, इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। स्लिट का साइज हमने ए ले लिया, सामने रखा एक स्क्रीन, स्लिट का सेंटर रे इज सी पॉइंट, ओके। तो ये ए बाई टू हो गया अगर टोटल ए है तो। लाइट जो सेंटर पर पहुंच रही है, तो देखिए यहाँ पर सेम फेज में होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे अलग पॉइंट पर भी हमें डिफ्रेक्शन को डिस्कस करना है, कहीं मिनिमा होगा कहीं मैक्सिमा होगा, राइट। किसी थीटा एंगल पर लाइट डिफ्रैक्ट होकर जा रही है और किसी पॉइंट पर पहुंच रही है यहाँ पर, सब कुछ डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पर, जैसा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने। अब ये पैटर्न अच्छा दिखाई दे उसके लिए इस स्लिट के जस्ट सामने एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया गया है, फाइन। और ये लेंस की वजह से पूरा पैटर्न फोकस होता है, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होती है कॉन्वेक्स लेंस की। ये सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम इंटेंसिटी को दिखाया गया है उभार, और जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी कम हो रही है, है ना। अब एक एक पॉइंट पर जो डिफ्रैक्शन है उसका फिजिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है एबी स्लिट पर, तो अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल, वेरी फर्स्ट लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का, है ना, जिन्होंने रेफर किया उसे रेफर करें, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। उसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स होता है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट का एक सोर्स है, राइट। अब पॉइंट ओ पर हम बात करें तो सारी की सारी जो वेव्स हैं इक्वल ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल कर कर पहुंचेंगे, यस और नो, तो वो सबकी सब एक ही फेज में पहुंचेंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत मैक्सिमम होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। इस इंटेंसिटी को ये इस बड़े से पीक से दिखाया गया है, लेकिन जैसे हम दूर ऑब्जर्व करते हैं स्क्रीन पर, ओ से दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी चेंज होती हुई नजर आती है। ये इंटेंसिटी पी पॉइंट पर बिल्कुल नहीं है, कम हो गई है, फिर थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। पॉइंट पी पर जो वेव्स कलेक्ट हो रही हैं, थीटा एंगल पर जो लाइट डिफ्रैक्ट होकर पहुंच रही है उनके कारण है, कोई एंगल थीटा मान लिया आपने, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पर। तो देखिए ए पॉइंट और सी पॉइंट से जो लाइट रे पी पॉइंट पर पहुंच रही है, बेसिकली हमने क्या किया है, प्लेन वेव फ्रंट को दो पार्ट से मिलकर बना हुआ मान लिया, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, थोड़ा सा इजी करने के लिए केवल दो पार्ट, कि सुपरपोजिशन के लिए एटलीस्ट टू रेज तो चाहिए हमको, राइट, इसलिए दो पार्ट में बांट लिया। तो ए और सी से जो लाइट रे थीटा एंगल की डायरेक्शन में डिफ्रेक्ट होकर किसी पॉइंट पी पर पहुंच रही है, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड करें अपन। तो देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, पाथ का डिफरेंस इस लाइट में एपी और सीपी में डिफरेंस देखने जा रहे हैं, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, इसमें ये मान लेते हैं कि ये तो इक्वल है एपी, बस डिफरेंस क्या रह गया, ये वाला पॉइंट, राइट। ये अगर ए बाई टू है तो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा इसमें, ए बाई टू साइन थीटा, राइट। अब ए बाई टू साइन थीटा अगर लेमडा बाई टू के बराबर है पाथ डिफरेंस, राइट। अब लेमडा बाई टू, लेमडा किसके इक्विवेलेंट होता है, टू पाई फेज के, लेमडा किसके, लेमडा मतलब एक पूरा वेव यानी टू पाई, तो लेमडा बाई टू किसका हो गया,
पाई फेज डिफरेंस के, है ना, विच इज कॉज पर्टेंडिंग टू द फेज पाई। तो ऐसे केस में ये दो वेव्स जो पी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, है ना, और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी तो यहाँ पर मिनिमा का ही फॉर्मेशन बनने वाला है ना। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि दस द टू वेव फ्रॉम एनी पॉइंट इन द अपर हाफ, कोई एक वेव ले ली जो अपर हाफ से हो और एग्जैक्टली उस पॉइंट से नीचे ए बाई टू डिस्टेंस पर एक दूसरी वेव, राइट, जो पॉइंट पी पर पहुंचेंगी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी यदि उनमें पाथ डिफरेंस कितना हो लैम्डा बाई टू, क्योंकि वो फेज डिफरेंस पाई के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है ना। हम पूरी पूरी इस स्लिट ए बी को ऐसे बहुत सारे पेयर से मिलकर मान सकते हैं, दो दो जो पी पॉइंट पर पहुंच रही हैं लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस से, राइट, यानी कि पाई फेज डिफरेंस, पाई फेज डिफरेंस मतलब अपोजिट फेज में। तो पी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी मिलने वाली है हमें, जीरो, क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रही हैं, राइट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा, इसके बाद में फर्स्ट मिनिमा। तो यहाँ फर्स्ट डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए हमने क्या देखा, ए बाई टू साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट है, लैम्डा बाई टू। तो यदि हम पूरे की बात करते हैं, पूरी स्लिट ए और बी की बात करते हैं, तो ये जो पाथ डिफरेंस की बात करेंगे, देखिए टू से टू कैंसिल कर दें हम तो ए साइन थीटा लैम्डा हो गया। तो एग्जैक्टली ए पी और बी पी में पाथ डिफरेंस तो ये यहां से यहां तक है, तो ये ए और ये थीटा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा अगर लैम्डा के इक्विवेलेंट हुआ तो क्या फॉर्मेशन होगा, फर्स्ट मिनिमा का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए या फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन आ गई कि ए साइन थीटा क्या होगा, लैम्डा, या ए साइन थीटा इक्वल टू वन लैम्डा, ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए। तो फॉर द nth मिनिमा की बात करें तो ए साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एल लैम्डा। क्यों, फर्स्ट के लिए वन लैम्डा, तो nth मिनिमा के लिए क्या हो गया, ए साइन थीटा एल लैम्डा। क्लियर है बात, ओके। अब n यहां क्या है, 1 2 3, एन वन हो गया तो फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा, टू है तो सेकेंड मिनिमा, थ्री है तो थर्ड मिनिमा। क्लियर है, फाइन, ओके। डिस्टेंस ऑफ एंथ मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज, अभी फर्स्ट मिनिमा फिर यहाँ सेकेंड मिनिमा होगा, तो हमसे पूछ लेते हैं कि सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है, जैसे एक्स क्या है, राइट। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, थीटा होते हैं हमारे स्मॉल, राइट, तो साइन थीटा को थीटा मान सकते हैं अपन ऐसे केस में, और थीटा यानी आर्क ओवर रेडियस एक्स, एक्स ओवर एफ, एक्स ओवर एफ, है ना। तो यहां से एक्स एन की वैल्यू आ गई एन लैम्डा एफ बाई ए। तो ये डिस्टेंस क्या है एंथ मिनिमा की सेंटर से, तो फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो एन वन रख देंगे यहां पर, क्लियर, फाइन, ओके। लाइकवाइज फॉर द एंथ मैक्सिमा की बात करें, ये फर्स्ट मैक्सिमा कहलाएगा, ये हमारा जीरो ऑर्डर कहलाता है, सेंट्रल कहलाता है, राइट। तो एल लैम्डा के बाद नेक्स्ट कहाँ मिलेगा हमें, लैम्डा बाई टू, राइट, हमेशा पाई पाई फेज डिफरेंस पे होता है, तो नेक्स्ट पाई पर, है ना, नेक्स्ट पाई ऐड करेंगे तो लैम्डा बाई टू ऐड करना है हमको, तो हमेशा मिनिमा के बाद मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा, तो लैम्डा बाई टू ऐड किया इसमें, तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। तो फॉर एंथ मैक्सिमा, जैसे फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे तो एन इक्वल टू वन रख देंगे यहाँ पर, एन इक्वल टू वन टू थ्री, है ना, यहां पर जीरो नहीं है क्योंकि जीरो ऑर्डर तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है, ओके। अब यहां पर हमसे यही पूछ लिया जाए कि फर्स्ट जो मैक्सिमा है उसका सेंट्रल फ्रिंज से कितना डिस्टेंस है एक्स, तो अभी जैसा किया था वैसे ही करेंगे हम, कि साइन थीटा को थीटा मान लें छोटा, ओके, और थीटा की वैल्यू आर्क ओवर रेडियस रख दें एक्स ओवर एफ, है ना, ये तो टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू हमारे पास में, तो ये आ गया एक्स एन, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दिया, टू एन प्लस वन लैम्डा एफ बाई ए, क्लियर, ओके। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जो इस ओ के ऊपर हो रहा है वैसा का वैसा स्क्रीन पर नीचे भी होगा, है ना, तो ये थीटा है फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा है हमारा, तो इधर भी फर्स्ट मिनिमा है, राइट, तो ये एंगुलर विड्थ कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा यहां से और यहां तक, तो इस ये कितने एंगल पर बन रहा है, वो क्या ये टू थीटा है, ये टू थीटा की कैलकुलेशन करना हमें, मिनिमा और मैक्सिमा दोनों तरफ बनता है सेंट्रल मैक्सिमा के, है ना,
तो फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या देखा था, ए साइन थीटा लैम्डा था, है ना, थीटा की कैलकुलेशन करनी है हमें, फिर टू थीटा कर लेंगे, तो साइन थीटा हो गया लैम्डा बाई ए, कोई इशू नहीं है। तो थीटा स्मॉल तो हम कह देंगे थीटा इज लैम्डा बाई ए। तो एंगुलर विड्थ की बात करें सेंट्रल मैक्सिमा की, तो टू थीटा है ना ये, यस, क्योंकि यहां से यहां तक है सेंट्रल मैक्सिमा, तो टू से मल्टीप्लाई कर दिया। लीनियर विड्थ, तो लीनियर विड्थ तो ये ट्वाइस ऑफ एक्स है बेसिकली, है ना, लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, जब भी विड्थ कहेंगे तो लीनियर विड्थ हमको फाइंड करना है, तो वो ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, आर्क, इसको आर्क मान लेते हैं अपन क्योंकि एंगल बहुत छोटे होते हैं, तो टू थीटा एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस, ये एफ है ना, वैल्यू रख दें टू थीटा की, टू लैम्डा एफ बाई ए। तो दिस इज द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए ध्यान रहे। इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, देखिए इंटरफेरेंस में जितने भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थे उन सब की इंटेंसिटी बराबर थी, लेकिन डिफ्रैक्शन में एक मेन डिफरेंस होता है कि इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम होती है, और एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर इस इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजेस, तो हर की इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस की अलग अलग होगी, वो डिस्कशन करना है। ये देखिए जो पीक दिखाए जा रहे हैं तो इंटेंसिटी लेवल दिखा रहे हैं, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, कितनी होती है कैसे याद रखेंगे आप, किसी भी nth मिनी मैक्सिमा जो होता है डिफ्रेक्शन पैटर्न में उसकी इंटेंसिटी दी जाती है इस रिलेशन से, आप इस रिलेशन को याद रखिए 2 ओवर 2n प्लस 1 पाई होल ऑफ स्क्वायर आई नॉट, आई नॉट है सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी यहाँ पर। फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो फर्स्ट मैक्सिमा बोले तो ये यहाँ मैक्सिमा मिनिमा सेकेंडरी, ये तो सेंट्रल, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा, नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा सेकेंड मैक्सिमा, तो n इक्वल टू वन, तो n इक्वल टू वन हम इनकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं n वन, तो यहाँ वन रख दिया हमने, राइट, सॉल्व करें 3 प्लस 1 पाई का स्क्वायर तो 9 पाई स्क्वायर, तो 4 आई नॉट और 9 पाई स्क्वायर, राइट। इस तरीके से सेकंड मैक्सिमा की बात करें, सेकंड मैक्सिमा मतलब ये सेकंड मैक्सिमा है ना, तो n इक्वल टू 2 रख दें, इसमें पूछ लिया जाता है तो n की जगह 2 रख दिया यहाँ पर, सॉल्व करें 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, ये 4 है ये आपका। इसी तरीके से आप थर्ड मैक्सिमा बनेगा आगे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन को याद रखेंगे तो इजीली, और करके देखो पहुंच करके क्या इतना आ रहा है क्या, 3 रख के देखो यहाँ पर कुछ से, फाइन ओके। तो आई नॉट क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, फर्स्ट जो सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कितना है, 4 आई नॉट ओवर 9 पाई स्क्वायर, राइट। सेकेंड जो मैक्सिमाज बने हैं उनकी इंटेंसिटी क्या आई थी, 4 आई नॉट ओवर 25 पाई स्क्वायर, क्लियर है। इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं, एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, एक स्लिट है जिसका साइज है 0.15 सेंटीमीटर, इसे स्क्रीन से 2.1 मीटर दूर रखा है, लाइट इंसिडेंट होती है स्लिट पर 5×10⁻⁵ सेंटीमीटर वेवलेंथ की, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, तो हमने देखा था कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जिसको हमने लीनियर विड्थ कहा था है ना, ट्वाइस लैम्डा एफ बाई ए, वैल्यूज रखें प्रॉपरली विथ प्रॉपर यूनिट, चेक करो कैसे रखे हमने, लैम्डा देखिए वेवलेंथ है सेंटीमीटर में, सीजीएस में तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁷ हो गया, फोकल लेंथ डिस्टेंस के बराबर थी, हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस को बिल्कुल स्लिट के पास रखते हैं, तो फोकल लेंथ डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बराबर होती है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही फोकस करता है पैटर्न को, तो ये 2.1 मीटर में है, ठीक बात है, और ए साइज है 0.15 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करें तो 15×10⁻⁴ हो जाएगा, राइट, इसे कट कर ले 5 और 15 को, तो ये तो 3 टाइम्स चला गया आपका, राइट, और ये आराम से कट हो जाएगा, है ना, ऊपर हो गया 4.2 और 4.2 2×2.1 और 10⁻⁴10⁻⁷ से 10⁻³ और ये 3 हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, अब 3 से भी इजीली कट हो जाएगा 4.2, तो कितना आ जाएगा 1.4, तो विड्थ आ गई हमारे पास 1.4×10⁻³ मीटर, अब 10⁻³ मीटर मतलब मिलीमीटर, तो 1.4 mm की विड्थ होगी किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है,
एक प्लेन वेव फ्रंट है जिसकी वेवलेंथ है 6 × 10⁻⁷ मीटर, 0.4 mm वाइड स्लिट पर इंसिडेंट होती है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 0.8 मीटर, जो बिहाइंड द स्लिट रखा है। तो लीनियर डायमीटर ऑफ द सेकेंड मैक्सिमा, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ सेकेंडरी मैक्सिमा बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड नीचे ही बनेगा। तो डायमीटर का मतलब हो गया एक जो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, सेकेंड मैक्सिमा, दूसरे सेकेंड मैक्सिमा से कितना डिस्टेंस होगा ये फाइंड करना है ना। सबसे पहले तो याद करो एंथ मैक्सिमा की जो डिस्टेंस हमने फाइंड की थी कहाँ से, ये कंडीशन थी ए साइन थीटा 2n+1λ/2 है ना। साइन थीटा को रखा था xn/f, तो डिस्टेंस ऑफ एंथ मैक्सिमा सेंट्रल फ्रेंच से क्या आया था 2n+1λ/2। पहले तो ये था, क्लियर है ये वाली बात। तो पहले एक सेकंड मैक्सिमा की सेंट्रल फ्रेंच से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, राइट। ओके, तो एन की जगह रख दिया हमने 2, तो ये आ गया 5/2λ/f/a। वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा है हमारे पास में 6 × 10⁻⁷ मीटर, इस बार मीटर में है, अच्छी बात है। और फोकल लेंथ है 0.8 मीटर, ये भी मीटर में है ना। यूनिट्स का ध्यान रखना है। ए साइज है हमारे पास में, साइज 0.4 mm, तो mm को मीटर में 10⁻³ हो गया हमारे पास में, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो देखिए ये इजिली सॉल्व हो रहा है, 0.4 और 2 तो 0.8 हो गया, तो ये तो कट हो गया, और 5 × 6 = 30 हो गया। ये 10⁻³, 10⁻⁷, 10⁻⁴ बना, तो एक जीरो को कम कर दें इधर से, तो ये 3 × 10⁻³ मीटर हो गया। और 10⁻³ मीटर क्या होता है, mm। तो हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज से जो सेकंड मैक्सिमा उसका डिस्टेंस है 3 mm, लेकिन हमें पूछा क्या है पर डायमीटर, ऊपर भी होगा सेकेंडरी मैक्सिमा, नीचे भी होगा, तो दोनों के बीच का सेपरेशन की बात करें जिसको हम लीनियर डायमीटर कहेंगे, तो ट्वाइस कर दें इसको 2x2, तो आंसर क्या हो गया 6 mm, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे पोलराइजेशन, तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि पोलराइजेशन को आपस में हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।